प्रेम कहाँ। ठीक है बाबा, अगर मेरे शादी कर लेने से आपको खुशी मिलती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? उस महेश ने हमें और हमारे बाबुल को बहुत घाव दिए हैं, अब हम उसे ऐसे जख्म देंगे जिसे वो चाहकर भी जिंदगी भर भर नहीं पाएगा। रमेश शादीशुदा है और उस पर पहला हक सिर्फ सुशीला का ही है। पर उसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी का भी हाथ थामकर उसके साथ जीवन भर घुटती रहें। तो मेरे साथ जरूर, लेकिन मेरे उस दोस्त को न जाने कहां छोड़ा है, जो कभी भी किसी भी सिचुएशन से घबराता नहीं था, उससे लड़ने की क्षमता इकट्ठा करता रहता था। आखिर किस बात का डर है तुम्हें, किस बात की चिंता है? मुझे किसी बात का डर नहीं है, बस फिक्र है तो हेम की। मेरे जाने के बाद वो फिर अकेली पड़ जाएगी। यार मैं फिर वही चक्रव्यूह में फंस गया। अगर सुशीला आ जाती है तो कैसे कैसे मैं हेम को छोड़ दूं? रमेश, मुझे लगता है कि तुम्हें अब वक्त के साथ चलना चाहिए। तुम्हें अपनी सारी कोशिशें इस बात में लगानी चाहिए कि तुम निर्दोष थे, तुमने कोई गलती नहीं की, और दुनिया वालों को बताना है कि वो सिचुएशन क्या थी। मैं भी यही चाहता हूं कि सबके सामने सच लाऊं, मगर तुमने देखा ना, मेरा एक सच सामने आने से मैंने अपनी पत्नी सुशीला को खो दिया। डरता हूं कि और सच सामने आया तो मैं हेम को ना खो दूं। यार मुझे कोई भी सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी तुम ही मुझे बताओ, ऐसे सच का क्या फायदा जिससे दूसरे दुखी हो जाए। तो क्या तुम ऐसे ही रहोगे, कभी भी किसी के सामने नहीं आओगे, ऐसे ही गुमनामी भरी जिंदगी गुजारते रहोगे? क्या फर्क पड़ता है बारेन, वैसे भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, सबकी आंखों में मेरे लिए शिकायत है। अगर मेरा सच सबके सामने नहीं भी आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बात कर रहे हो रमेश, जिन लोगों ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की और न जाने क्या क्या कहा, उन्हें जवाब देने की जगह पर तुम यहां से जाना चाहते हो? उस बेगैरत बेरहम पत्थर दिल इंसान, इंसानियत के नाम पे कलंक काका को तुम ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं वारेंट, मैं काका को कहीं भी नजरों में नहीं गिरा सकता। बस रमेश बस, बहुत सहा तुमने, बात कोई भी होती और उंगली तुम्हारी ओर उठाई जाती है। अच्छा यही होगा कि तुम दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बोलो, वरना इसकी शुरुआत मैं करूंगा, और शुरुआत होगी हेम जी से। नहीं बारेन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, तुम हेम से जाकर कुछ भी नहीं कहोगे, समझे तुम? दादा, तस्वीर से मन बहला रहे हैं, पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। सच दादा, वो भी कितने प्यारे खूबसूरत से दिन थे, लेकिन आज तो हमारी बच्ची जैसे मुस्कुराना ही भूल गई। अनिरुद्ध, मैं भी इन तस्वीरों से उसी हेम को चुराने की कोशिश कर रहा हूं, उसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम कहीं जा रहे हो अनिरुद्ध? हाँ दादा, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था। पुलिस स्टेशन? लेकिन पुलिस स्टेशन क्यों? दादा, हमें लग रहा है कि हमारी बच्ची हमसे कुछ ज्यादा ही छुपाने लगी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कल आपसे झूठ बोला था कि हेम नारी निकेतन गई है। क्या? हाँ दादा, जब मैंने नारी निकेतन फोन किया था तो उन्होंने बताया वहां से कि हेम तो कई दिनों से नहीं आ रही है नारी निकेतन। तो इसका मतलब है कि परी ने हमसे झूठ बोला, मगर क्यों? इसी बात का तो पता लगाने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अरे अनिरुद्ध, ये बात तो तुम सीधे परी से भी पूछ सकते हो, इसमें पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? दादा, परी ने झूठ नहीं बोला, उससे जो कहा गया उसने वही कहा,
कि हेम नारी निकेतन गई। लेकिन ये उसे किसने कहा होगा? खुद हेम ने, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन अनिरुद्ध, ऐसी क्या बात है जो वो हमें नहीं बताना चाहती? ये तो पुलिस स्टेशन जाके ही पता लगेगा। आपके सो जाने के बाद मैं हेम का देर रात तक इंतजार करता रहा और देखा मैंने कि इंस्पेक्टर मान हेम के साथ घर आया था। लेकिन अनिरुद्ध, ऐसी क्या बात है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है? दादा, मुझे ये लगता है कि इंस्पेक्टर मान को शायद सब मालूम है कि हेम क्या कर रही है। अनिरुद्ध, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कहीं हमारी बच्ची हेम किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मैं तो चाहता हूँ दादा कि हेम की शादी हो जाए, उसका घर बस जाए और वो अपने घर परिवार में उलझ जाए, ताकि उसे बाहर कहीं आने जाने की फुर्सत ही ना मिले। अनिरुद्ध, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हेम अपनी माँ जोया पर गई है। वो भी सारा दिन घर परिवार में उलझी रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाज सेवा के लिए समय निकाल ही रहती थी। ऐसी मेरी बच्ची भी शादी के बाद भी दूसरों की मदद ही करेगी, तब मैं गर्व से कह सकूंगा, देखो ये है मेरी बच्ची। मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगवाना हो तो बताइए, आते वक्त लेता आऊंगा। नहीं अनिरुद्ध, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दादा, तो मैं आता हूँ। पता नहीं हेम हमसे क्या छिपा रही है। कमला आओ बैठो ना। हेम जी, आज मैं आपके पास एक शिकायत लेकर आई हूं। पहले बैठो तो सही। क्या बात है कमला? मैं आपसे बहुत नाराज हूं। अरे बाबा, तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। कौन सी बात कमला? अच्छा, ये बात भी मैं ही बताऊं? परी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने हालचाल पूछने के लिए घर में टेलीफोन किया था, वो तो अच्छा हुआ कि परी ने टेलीफोन उठा लिया, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। लगता है परी ने कमला को रमेश के मिल जाने की बात बता दी है। कमला, परी को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी तुम्हें। क्यों हेम जी, अब मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि आप मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती? क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? कमला, ऐसी बात नहीं है, बस मैं ये चाहती थी कि ये बात इस वक्त किसी के सामने ना आए। हेम जी, आपको क्या लगता है आप ये बात कब तक सबसे छुपा पाएंगी? मैं जानती हूँ कमला कि ऐसी बातें ज्यादा वक्त तक छुपी नहीं रह सकती, मगर कमला मैं नहीं चाहती थी कि सबको पता चले कि रमेश वापस आ गया है। हेम जी, ये आप क्या कह रही है? रमेश बाबू वापस लौट कर आ गए? कमला, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो? परी ने तुम्हें बताया था ना? नहीं हेम जी, परी ने मुझे कुछ नहीं बताया। परी ने मुझे ये नहीं बताया कि रमेश बाबू लौट कर आए, उसने तो मुझे ये बताया कि आप किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। क्या इसका मतलब परी ने तुम्हें रमेश के बारे में कुछ नहीं बताया था? हेम जी, मेरा यकीन कीजिए, परी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब रमेश बाबू लौट कर आ गए तो आपने किसी और से शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दी? देखो कमला, जब ये बात तुम्हारे सामने आ ही गई है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, मगर रमेश बाबू इतने दिन तक कहाँ थे और वो कहाँ से लौट कर आए हैं? यही तो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, मगर रमेश है कि कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहा। हेम जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज रमेश बाबू किसी के सामने नहीं आ रहे और इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं ही हूँ। उस शादी वाले दिन अगर मैं अपनी सासू माँ की बातों में नहीं आई होती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। कमला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सारी पुरानी बातें हैं और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। नहीं हेम जी, ऐसा नहीं है। आज मेरी वजह से आप और रमेश बाबू एक साथ नहीं हैं, और मेरी वजह से न जाने रमेश बाबू को कहां कहां दर दर की ठोकरें खानी पड़ी होंगी।
और आप कह रही है जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, मुझे तो लगता है मैं माफी के भी लायक नहीं हूँ। सोचो, अगर रमेश किसी दबाव में आकर मुझसे शादी कर लेता तो क्या मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ कर पाती? क्या मैं सुशीला को अपना मुंह दिखा पाती? सुशीला? क्या सुशीला आई है रमेश बाबू के साथ? कैसी है वो? ठीक तो है ना? इसी बात की तो मुझे चिंता है। सुशीला रमेश के पास नहीं, वो कहीं चली गई है। मगर ये कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे याद है, जब मैंने रमेश बाबू के घर की दहलीज पार की थी, उसी समय सुशीला ने घर में कदम रखे थे। मैंने भी रमेश से सुशीला के लिए यही सवाल पूछे थे, मगर वो बता रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे कुछ याद नहीं है। कमला, हमें सुशीला का पता लगाना है। मैंने पुलिस स्टेशन में सुशीला के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुशीला बहुत जल्द हमें मिल जाएगी। हेम जी, अगर आप कहें तो मैं एक बार रमेश बाबू से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, न जाने मैंने उन्हें किन किन बातों के लिए दोषी ठहरा दिया, जो गलतियां उन्होंने की ही नहीं है। साहब, मेरी आज मुलाकात देवीकांत से हुई थी। क्या? हाँ, उसने तुम्हें सुनहरी मर्डर केस के बारे में कोई नई जानकारी दी क्या? नहीं साहब, सुनहरी के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, मगर साहब आज एक अजीब बात हुई। क्या बात हुई बोला? वो मुझसे बार बार ये जानने की कोशिश कर रहा था कि बारिन बाबू, हेम जी और रमेश बाबू पुलिस स्टेशन में क्यों आए थे। देवीकांत ये क्यों जानना चाहता है? वो यहाँ क्या करने आए थे? और देवीकांत को कैसे पता कि यहाँ विक्टोरिया जी और बारिन बाबू के अलावा जो तीसरा शख्स आया था वो रमेश था? साहब, ये बात तो मैंने सोची नहीं। हो सकता है कि हमें देवीकांत से रमेश के बारे में पता चल जाए कि अब तक वो कहाँ था, और शायद हमें सुशीला के बारे में भी उससे कोई जानकारी मिल सके। जी सब समझा, मैं पानी लेके आता हूं। मैं आपकी बातों पर भरोसा करता हूं, और भरोसे के साथ ही मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछे ना, क्या पूछना चाहते हैं? क्या कल हेम यहां आई थी? हाँ, आई थी कल यहां हेम जी। किस काम के लिए? किसी के गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने आई थी। कहीं आप रमेश की बात तो नहीं कर रहे हैं? खैर छोड़ो ये सब बात, मेरे जीवन में समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है शायद, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे और महेश बाबू के संबंध सुधर रहे हैं। कोई रिश्ता तभी आगे निभाता है जब उसमें प्रेम हो और कोई चीज मायने नहीं रखती, और यही प्रेम हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है, एक दूसरे से बांधे रखता है। हाँ हेम जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं और महेश बाबू रहते साथ साथ थे, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे बीच इतनी दूरियां क्यों थी, क्यों हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। मगर माँ कामाख्या की यात्रा में मैंने ये जाना कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। हेम जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना कमला। मान लीजिए आप कहीं और शादी कर भी लेती हैं, तो क्या आप रमेश बाबू को भुला पाएंगे, उनकी यादों को अपने दिल से मिटा पाएंगे? नहीं कमला, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों पर कोई मुसीबत आए। तो क्या रमेश बाबू आपको भुला पाएंगे? नहीं कमला, कभी नहीं। मुझे एक बात का दुख है कि मेरी बेटी मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगी है। क्या बात है अनिरुद्ध? हेम से पूछिए कि कल रात कहाँ थी। कहीं काका को रमेश के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? मुझे यही बात सता रही है कि कहीं कि रमेश की प्रेम की सजा सुशीला को ना मिले।
मैं कुछ समझी नहीं। मुझे डर है कि मेरे प्रति रमेश का प्रेम कहीं सुशीला को निराश ना कर दे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब सुशीला वापस आ जाए तो रमेश अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे। मगर हेम जी, ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब मेरी जिंदगी में रमेश की जगह कोई ले लेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि वक्त के साथ साथ रमेश अपने आप को संभाल लेगा। नहीं हेम जी, ये ठीक बात नहीं है। आपको क्या लगता है, आप जो कह रही हैं वो सिर्फ बोलने और सुनने में सही लगता है, और इस बात से कोई भी खुश नहीं रह सकता, सुशीला भी नहीं। जीवन भर अपराध भूत की स्थिति से तो अच्छा है कि कुछ तकलीफें अभी ही झेल ले। नहीं कमला, मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे लगता है कि वक्त रमेश के मन से मेरी छवि को मिटा देगा, और ऐसे में मैं उसे अपने प्रेम का एहसास दिलवाकर उसे और परेशानी में नहीं डाल सकती। मगर हेम जी, ये सबके लिए सही नहीं है। कमला, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं सुशीला की जिंदगी सवार कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। कमला, मेरी बात तो सुनो। हेम बेटा, ये कमला को क्या हुआ है? मैंने उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रही है, लेकिन वो तो बिना कुछ बताए ही चली गई। वो ठीक तो है ना बेटा? हाँ बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर बेटा तुम्हारी आंखें गीली क्यों हैं? और जब कमला भी बाहर निकल रही थी तो वो भी रो रही थी। नहीं बाबा, वो जब उसे पता चला कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी तो रोने लगी और कहने लगी कि फिर न जाने कब मुलाकात होगी। बेटा, मैं तो घबरा ही गया था कि पता नहीं ऐसी क्या बात होगी जो दोनों लड़कियों की आंखें गीली हैं। बेटा, तुम खुश तो हो ना? हाँ बाबा, आप सबकी खुशी में मेरी खुशी है। मगर मुझे एक बात का दुख है कि मेरी बेटी मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगी है। क्या बात है अनिरुद्ध? दादा, मुझसे बेहतर है आप हेम से पूछिए कि कल रात कहां थी। कहीं काका को रमेश के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया, तभी ये इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया। बल्कि दुख तो इस बात का है कि बाहर के लोगों ने मुझे आके बताया। अनिरुद्ध, क्या बात है? तुम्हें क्या पता चला? साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? दादा, ये कल नारी निकेतन नहीं गई थी, ये पुलिस स्टेशन गई थी। लगता है काका को रमेश के बारे में सब पता लग गया है। काका, मैं सबको सब कुछ बताने ही वाली थी, वो तो। अगर तुम मुझे बताती ना तो शायद मैं तुम्हारी मदद करता, सुशीला को तलाशने में भी मदद करता, और मुझे इंस्पेक्टर मान सिंह ने बताया कि तुम सुशीला के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने गई थी पुलिस स्टेशन। वो बस मुझे सुशीला की बहुत चिंता हो रही थी। बस मेरा इतना कहना है कि तुम जहां जाओ बता के जाओ, फिक्र लगी रहती है बेटा। मैं जानती हूँ काका, इसलिए मुझे लगा कि आप लोग खामखा परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई। खैर दादा, मैं सोच रहा हूँ कि बारिन से मिलाऊं,
अगर तुम उससे मिलो तो उससे कहना कि वो मुझसे आकर मिले, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं, अगर काका बारिन के घर गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि रमेश वहां है, मुझे काका को रोकना ही होगा। ठीक है दादा, जरूर कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं कह दूंगी बारिन को कि एक बार आपसे आके मिल ले। वैसे भी काका आप बाहर से आए हैं, इतने थके हुए हैं, मैं आपके लिए पानी लेके आती। हेम को क्या हुआ है? बारिन के घर जाने के नाम पर वो इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कब तक हेम जी रमेश के इंतजार में अपनी जिंदगी पर बात करती रहेंगी? हाँ, और तुमसे बारिन ने खुद कहा था ना कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं महेश बाबू, ऐसी बात नहीं है। क्या क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं महेश बाबू, बस थोड़ी हेम जी के लिए परेशान। वो जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, तुम उनकी चिंता कर रही हो? आज वो अपने आप को ऐसी सजा देने जा रही है जिससे वो कभी नहीं उबर सकती। ये तुम क्या कह रही हो कमला? हाँ महेश बाबू, मैं सच कह रही हूँ, हेम जी ने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? हेम जी ने शादी के लिए हाँ कह दी? इतनी खुशी की बात है और तुम चिंता कर रही हो? कम ऑन महेश बाबू, ये बात सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, क्या कभी आपने ये सोचा है हेम जी रमेश बाबू को कितना प्यार करती है? क्या वो किसी और से शादी करके कभी खुश रह पाएगी? चलो तुम्हारी बात मान ली, मगर मुझे एक बात बताओ, कब तक हेम जी रमेश के इंतजार में अपनी जिंदगी पर बात करती रहेंगी? हाँ, और तुमसे बारिन ने खुद कहा था ना कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं महेश बाबू, ऐसी बात नहीं है। क्या? हाँ मैं सच कह रही हूँ। ये सब तुमसे किसने कहा? महेश बाबू, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपाना चाहती, मगर उससे पहले आपको मुझे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि मैं आपको जो भी बताऊंगी आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है। महेश बाबू, हेम जी ने मुझे हेम जी ये शादी करके अपने आप को सजा नहीं दे रही है। महेश बाबू, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमसे जितना बन पड़ेगा हम हेम जी का साथ देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हेम जी को यह एहसास दिला सकूं कि उनका फैसला गलत है। लेकिन सबसे पहले मुझे आनंदो बाबू और काका से मिलना होगा, देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया। चलो अभी मैं क्लिनिक के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है, वरना देर हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। कमला, अपना दिमाग इन बातों से खाली रखो, वरना और तबीयत खराब होगी, ठीक है? और प्लीज आंसू पोछो। हेम कहाँ गई है? जी वो बारिन बाबू के घर गई है। क्या काम था? वो सुनहरी के केस के बारे में शायद बात करने गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम दोनों रमेश के बारे में बात कर रही हो? नहीं तो काका, रमेश के बारे में क्या बात थी?